कोरोना महामारी ने भारत में जिस तरह से हाहाकार मचाया है उससे भारत में इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कार्य और तेज कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि इस अदृश्य महामारी से लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में भारत में फिलहाल 3 वैक्सीन मौजूद हैं। अब लोगों के जहन में एक सवाल है कि इन वैक्सीन में से कौन सी सबसे कारगर है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक वी कौन सी वैक्सीनेशन सबसे सही है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक वी में अंतर। कोविशील्ड वैक्सीन एंडेनो वायरस का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो कि चिंपैंजी के बीच आम सर्दी के संक्रमण का कारण बनता है। इनकी आनुवांशिक सामग्री सार्स कोवी 2 कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के समान है। स्पाइक प्रोटीन सार्स कोवी 2 का हिस्सा है, जिसके उपयोग से वायरस मानव शरीर की कोशिका में प्रवेश करता है। कोविशील्ड वैक्सीन को एंडेनो वायरस के कमजोर संस्करण का उपयोग करके विकसित किया गया है। कोवैक्सीन वैक्सीन को मृत कोरोना वायरस का उपयोग करके विकसित किया गया है, जिसे चिकित्सा भाषा में निष्क्रिय टीका कहा जाता है। निष्क्रिय अवस्था के तहत वायरस इंजेक्शन लगाने के बाद किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर लोगों को संक्रमित करने या उसकी नकल करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वैक्सीन का एक शॉट प्रतिरक्षा प्रणाली को वास्तविक वायरस को पहचानने के लिए तैयार करता है और संक्रमण होने पर उससे लड़ता है। स्पुतनिक वी ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के रूस में किए गए परीक्षणों के आधार पर स्पुतनिक वी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। इस परीक्षण में स्पुतनिक वी की एफिशिएंसी रेट 91.6% दर्ज की गई और कोरोना से लड़ाई के खिलाफ ये वैक्सीन कारगर सिद्ध हुई। इसकी तुलना में भारत की कोवैक्सीन, जिसे हाल ही में यूके के ज्यादा संक्रामक माने जा रहे कोरोना वेरिएंट के खिलाफ असरदार पाया गया है, इसका एफिशिएंसी रेट 81% से अधिक पाया गया। जबकि विश्व स्तर पर इस्तेमाल की जा रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड का एफिशिएंसी रेट 70.4% से अधिक दर्ज किया गया, जिसे 2 डोज के बीच अंतराल बढ़ाकर 90% तक लाया जा सकता है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के साइड इफेक्ट। ये तीनों वैक्सीन हमें कोरोना वायरस से बचाने के लिए बनाई गई हैं। ये तीनों वैक्सीन विशेषज्ञों द्वारा कारगर पाई गई हैं। अगर इनके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इन तीनों के लगभग एक ही जैसे साइड इफेक्ट पाए जा रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को हल्का बुखार, सर्दी जुकाम या फिर शरीर में दर्द जैसी शिकायत हो सकती है और कुछ को इनमें से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 दिन का आराम करना जरूरी है, जिससे बुखार, शरीर में दर्द और सर्दी होने की संभावना कम हो जाती है। यदि वैक्सीन लगने के बाद इनमें से कोई भी परेशानी ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें और उन्हीं की सलाह पर दवाई लें।